यहाँ पर आप म्यूजियम देखो, मतलब ये फोर्ट है, म्यूजियम की कोई देख रेख नहीं है। मैं आपको बता दूँ भाई, ये चेक करो, बहुत ही ज्यादा खंडर हो गया ये गाँव। भाई ये पार्ट मैंने आपका दिखाया था वो सिक्का, और अभी मैं हूँ खाबा गाँव में, ये देख रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया और सुंदर होंगे। सुकेज आज मैं आपको दिखाने वाला हूं खाबा, जो कि मैं आपको बता दूं जैसलमेर से लगभग 37 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसकी हिस्ट्री और कुलतरा की हिस्ट्री सेम ही है, तो वो तो जो ऐसे गांव एक साथ ही खाली हुए थे, मैं आपको बता दूं, तो उन्हीं में से एक गाँव ये है खाबा गाँव है। बता दूँ ये खाबा गाँव और खाबा फोर्ट दोनों ही वीरान पड़े हैं। तो भाई चलते हैं और आपको दिखाते हैं खाबा फोर्ट, खाबा की हिस्ट्री और खाबा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं, एंड मैं आपको बता दूं यहां पर आपको टिकट भी देनी पड़ेगी। सो यहां पर भी टिकट लगती है गाइस, मैं आपको बता दूं यहां पर 20 रुपये चार्ज है, तो मतलब एक व्यक्ति की 20 रुपये यहां पर टिकट है। तो मैं आपको टिकट दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति की 20 रुपये टिकट है। तो हमने 2 टिकटें ले ली हैं, एंड यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो चलो आपको फोर्ट दिखाते हैं, आप कभी आओ तो इन्जॉय करना, बहुत ही अच्छा और प्यारा फोर्ट बना हुआ है। सो गाइस चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं खाबा फोर्ट के अंदर एंटर हो गया हूँ, पूरा मतलब फोर्ट वीरान वीरान पड़ा है, इसके अंदर कोई नहीं है। एक ओनली फॉर टिकट मैनेजर है, जो टिकट मैनेज करते हैं वो यहाँ पर है। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ गाइस, फोर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब वॉइस नॉइज ज़्यादा होगी, आपको थोड़ी मेरी आवाज़ कम आएगी और हवा की आवाज़ ज़्यादा आएगी ना। तो मैं जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ आएगी वो मैं आपको सुनाऊँगा, आप इधर आओ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब इस टाइप का पूरा, मतलब यहाँ पर म्यूजियम तो नहीं बनाया, ठीक है, पूरा म्यूजियम तो अच्छा नहीं बनाया, लेकिन ये बनाने की तैयारी में यहाँ पर बोर्ड लगे हुए, म्यूजियम पूरा अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैचू पेंटिंग बनाई हुई बहुत ही अच्छी, मतलब ये पूरा लकड़ी का एक, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, और इसके ऊपर मतलब ये कार्विंग की हुई है, छेनी वगैरह होती है उसे कार्विंग की हुई है। यहाँ पर पूरा स्टैचू बनाया हुआ है और यहाँ की लोकल ड्रेस उसको पहनाई है, ये लकड़ी का बनाया हुआ। सो भाई चलो आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर, आप ये पूरा लकड़ है ना, लकड़ी के ऊपर ये जो कार्विंग की गई है, ये जो यहाँ पर नाक वगैरह फेस वगैरह बनाया गया है उसके ऊपर फिर पेंटिंग की गई है। ये आप चेक करो, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, और ये सेंटर ये चेक करो भाई, ये मतलब लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो बजा रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखो पूरा लकड़ी है, और यहाँ पर ये पुराने टाइप की, मैं आपको बता दूँ पुराने टाइप की, यहाँ पर ये संदूक भी रखी हुई है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर तो मसाला वसाला रखने का मेरे सबसे सीन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये भी लकड़ी की है, यहाँ पर रखा हुआ है, और ये खाना बनाने का, खाना खाना बनाने का, या पानी गर्म करने का, या पानी का स्रोत होता हुआ। ये देखो ये भी लोहे बने, बहुत सारा खाना है, ये तो यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो स्टैचू देख रहे हो, यहाँ पर जो राजस्थानी लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो लोकल गीत होता है, होता है, वो बजा रहे हैं यहाँ पर, दिखा रहे हैं आप। ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इसके जो कलर निकल गया है, ये जो लकड़ी है ना उसके अंदर भी शायद दीमक लग गए, ये भी इधर से आपको, ये देखो ये अंदर से भी टूट गई है, यहाँ से टूट रही है, ये इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का। और ये ढोल की है, ये इसके अंदर मसाला पीसते हैं ना, अपन मसाला पीसते हैं ना, अदरक बोल दो या काली मिर्च बोल दो, आपकी वासन लोकल वासन क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर ये दरवाज़ा रखा हुआ है, छोटा सा दरवाज़ा, खिड़की है, खिड़की रखी हुई है, ये भी वो सेम है, पानी गर्म करने का शायद ये सामान है। मैं आपको बता दूँ ये फोर्ट जो है ना बीच में लगभग 4 किलोमीटर पूरा मतलब खंडर हुआ हुआ था, ठीक है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। और अभी लगभग 1 या 2 महीने पहले इस फोर्ट का पूरा पुनर्निर्माण कर दिया, रिपेयर कर दिया। आप देखो यहाँ पर ये जो ये शायद पुराना है, ये रिपेयर किया गया है, ये पूरा नया बनाया। अभी जो झरोख देख रहे हो ना, सुंदर झरोख है, ये आज के बनाए हुए झरोख है और रिपेयर किया गया है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको ये जो ऊपर का आप सीन देख रहे हो ना, ये पीछे वाला ये जो देख रहे हो ना, ये झरोखे भी आपको चलकर दिखाता हूँ मैं। तो ऊपर चलते हैं गाइस, चलो। तो भाई ये पार्ट तो मैंने आपका दिखाया था, वो सेकंड पार्ट भी बताऊँगा, पर ये पार्ट मैं ऊपर आपको टेरेस दिखाता हूँ, जो इसके अंदर कमरे बने हैं ना वो मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। तो आओ भाई, यहाँ पर ये भी अभी की सीढ़ियाँ बनाई हुई है गाइस, पहले नहीं थी।
यहाँ पर भी एक रूम बना हुआ है, यहाँ पर भी आप दिखा दूँ, यहाँ पर और अभी जो कमरे बनाए हैं ना, ये ऊपर देखो, ये छेड़े छेड़े रखी हुई यहाँ पर छेड़ों पर बनाए हुए हैं, और यहाँ पर झरोखे भी अच्छे अच्छे बहुत प्यारे बनाए हुए हैं। ये भी सीढ़ियाँ हैं, ये भी नीचे से आती है। ये देखो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ये बोर्ड, इधर भी रास्ते जाते हैं, उधर भी रास्ते जाते हैं, इधर भी रास्ता जाता है, और यहाँ पर नीचे भी सीढ़ियाँ हैं। अब पता नहीं मैं किधर की साइड जाऊँ, है ना, तो अपन इधर ही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, ये झरोखा है बहुत प्यारा, और यहाँ पर भी आ जाओ आप। गाइस मैंने आपको वो वाला पार्ट तो दिखा दिया, ये वाला पार्ट मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, है ना। थोड़ी इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, फिर वो वाला म्यूजियम है वो मैं आपको म्यूजियम बाद में दिखाऊंगा, पहले इस गांव की हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको। इधर आ गाइस, व्यू चेक करो कैसा लग रहा है। ओ भाई देखो, आपका पता नहीं पर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर, मतलब देखने में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। ये इस टाइप के बने हुए हैं, ये जो खंडर हो गए हैं, ये झरझर हो गए, टूट रहे, गिर रहे, नीचे हो रहे, तो ये वाले पुराने पार्ट है। और जो ये पत्थर देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये पत्थर भी बहुत ज्यादा पुराने हैं, 1825 के जब 1825 जब ये गाँव खाली हुआ था उस टाइम के ये पत्थर है, बहुत ज्यादा पुराने हैं। भाई इसे तो डर लग रहा है मेरे को, कहीं ये गिर ना जाए ऊपर, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही है, कुछ नहीं रखा हुआ नीचे, वो देख रहा है पत्थर कुछ भी नहीं रखा हुआ, तेज हवाएं चल रही तो इधर साइड नहीं जाते हैं, डर लग रहा है मेरे को, है ना। पहले तो ये इस टाइप की मतलब छतें नहीं थी, है ना, मैंने आपको कई व्लॉग में मैंने बताया है, इस टाइप की छतें नहीं थी, जो पुराने टाइम की छतें थी जो वो लकड़ी की बनाई होती थी, वहाँ पर एक रूम मिला जो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना उस टाइम का बना हुआ है। सो आओ भाई, ये चेक करो भाई, ये देखो, ये जो पिलर होते हैं ना, जो प्रोट वगैरह अवेलेबल वगैरह होती है, एक दो पिलर होते हैं उस टाइम के, ये पिलर रखे हुए हैं, और ऊपर आप देख रहे हो छतें जो लकड़ी की बनाई हुई, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, 1825 में जब ये गांव खाली हुआ था उस टाइम का है ये गांव, और इस टाइप के ये रूम है, जो इसको अभी रिपेयर नहीं किया हुआ है, ये मतलब टूरिस्ट को दिखाने के लिए रखा गया है, मेरे हिसाब से देख सकें कि इस टाइप का ये पुराना जो बना हुआ था। तो ये पत्थर भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराना है, ये अपने कलर छोड़ रहे हैं, और इसकी हाइट भी छोटी है, इस सबसे आप रूम में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी भी टूट रही है, टूट के नीचे गिर रही है, और देखो गाइस ये नीचे भी देखो बहुत ज़्यादा पुराना है, नीचे मिट्टी ये पिलर पता नहीं कैसे रखे होंगे उन्होंने, और यहाँ पर एक दो चिड़िया के घोंसले भी हैं गाइस, चेक करो आप यहाँ पर, और ये तो लकड़ी है, ये देखो ये दिमक लग गई इनको, ये टूट रही है, गिर रही है, ये चेक करो। मैं आपको बता दूं, इस गांव में हरजल पालीवाल के वंशज हरजल पालीवाल रहा करते थे। सो गाइस मैं आपको बता दूं, ये भी बता देता है ये गांव भूखा काल वगैरह खाली हुआ, और देवान सालम सिंह वगैरह खाली हुआ, मतलब बहुत कुछ बताया गया है, जैसे खुदरा के बारे में बताया हुआ है, ऐसे यहां पर बताया हुआ है। तो मैं आपको कुछ और बता दूँ, एक और बता देता है, यहाँ जो भारत और पाकिस्तान सिंध प्रांत का जो मतलब आयात निर्यात होता था, जो मतलब वहाँ के सामान यहाँ लाते थे, यहाँ का वहाँ का बिजनेस होता था ना, सिल्क रूट का इस टाइप का बिजनेस हुआ करता था, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो काबा फोर्ट ये चेक पॉइंट हुआ करता था, तो जो पाकिस्तान से जो भी सामान सिंध से या सिल्क रूट वाला जो भी बिजनेस होता था, यहाँ पर चेक पॉइंट होता था, यहाँ पर चेक होता था, इसके बाद मतलब भारत वगैरह में आगे इसके बाद मतलब भारत में आगे जाया करता था।
तो ये मतलब एक पॉइंट एकमात्र ये चेक पॉइंट था। तो यहाँ पर सिल्क रूट बिजनेस वगैरह ये बिजनेस का ये जो रूट था मैं आपको बता दूँ। तो फिर ऊपर नीचे चलते हैं और आपको यहाँ का जो म्यूजियम बना हुआ है ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, म्यूजियम अपन कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वो म्यूजियम चल कर दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं जो मेरे को देख के हंस रहे हैं यहाँ पर। कितने क्यूट क्यूट नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सब बाय बाय, फिर मिलते हैं ना। हाँ ऐसे करो भैया के चैनल को लाइक शेयर है उस क्या करना है। हाँ क्या करें, लाइक कमेंट शेयर करो बोलो, लाइक कमेंट शेयर करो भैया के चैनल को, भैया के चैनल सीजन 14 ब्लॉगर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ब्लॉगर जा रहा है घर को। यहाँ पर आप म्यूजियम मतलब ये फोर्ट है, म्यूजियम की कोई देख रेख नहीं है मैं आपको बता दूँ। वहाँ पर वो मतलब यहाँ के जो एंटिक पत्थर होते हैं ना, एंटिक फॉसिल्स होते हैं ना, वो यहाँ पर रखे हुए हैं पर इनकी देखभाल नहीं की हुई। भाई थोड़ा हटा के दिखाओ ना प्लीज। यहाँ पर ये शायद मेरे हिसाब से इनका ये है ना वो बैनर होता है ना टूरिस्टों को बताने के लिए बैनर होता है ना, वो बैनर यहाँ पर रखा हुआ है मेरे हिसाब से। धूल जमी हुई है इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, नॉलेज होता मैं आपको प्रॉपर बताता इसके बारे में। ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है पोखरण का बोल्डर बेड, ये देखो ये मतलब पोखरण का लाल पत्थर, पोखरण का लाल पत्थर ये देखो भाई यहाँ पर है, ये पोखरण का लाल पत्थर है, ये रेड है पूरा रेड पत्थर है। तो मतलब ये यहाँ के जो लोकल पत्थर है ना, जैसे गोल्डन सिटी को, जैसे मेरे को गोल्डन सिटी बोलते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, उस टाइप का ये पोखरण का भी है, रेड पत्थर है लाल पत्थर है। तो यहाँ पर एंटिक पीस है। यहाँ पर ये देखो मैंने आपको यहाँ बताया था क्या बोलते हैं उसको अकलपुर फॉसिल पार्क बताया था, यहाँ पर जो फॉसिल थे ना जो पेड़ वगैरह थे जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए वो वही पत्थर है जो देख रहे हैं यहाँ पर। मतलब हर म्यूजियम स्थान है ना जो टूरिस्ट को देखने का अट्रैक्शन के लिए ये रखा जाता है। पटुओं के हवेली में भी ये मैंने आपको बताया है, ये देखो भाई इधर आपको म्यूजियम दिखाते हैं। और यहाँ पर ये एकमात्र पानी का टांका भी बना हुआ है जिसके अंदर आप आ सकते हैं पानी पी सकते हैं। और यहाँ पर एक वो शेर भी बिठाया हुआ है ताकि कोई चोरी ना कर सके पानी की। तो गाइस इस गांव के बारे में पूरी हिस्ट्री तो मेरे को नहीं पता, जितनी मेरे को बताती मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का जो वीरान गांव हूँ, मैं दिखाता हूँ इधर आओ। अभी मैं जाने वाला हूँ इस शहर से निकलने वाला हूँ, तो चेक करो मैं कैसे निकलता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, ये डू नॉट ट्राई एट होम, ये घर पर मत करना, ये बहुत घातक हो सकता है, आप कभी ट्राई मत करना, ये ओनली फॉर मैं ट्राई करता हूँ है ना सेशन 14 फ्लॉक्स। तो देखो मैं कैसे जाता हूँ, ये इतनी छोटी है ना खिड़की निकलने का तरीका होता है। अरे गाइस अरे अरे ये देखो भाई ये अपने घर पर ट्राई मत करना नहीं तो आपको लग जाएगी। अभी चलते हैं वो देख रहे हैं आप गाँव, वो गाँव में आपको दिखा दूंगा ना। सुबह चलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं वो जो वीरान पड़ा हुआ है गांव, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी मंदिर खाबा, यहाँ पर माता का मंदिर भी है। सुबह चलते हैं और आपको वीरान गांव दिखाते हैं। भाई जैसे कि भी आप देख सकते हैं मैं अभी खाबा गाँव के पास पहुँच चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ ये भी गाँव कोलतरा की तरह वीरान ही पड़ा हुआ है, खंडर हुआ पड़ा है। ये चेक करो गाइस आप, कोलतरा तो मतलब 1825 में कोलतरा भी खाली हुआ था और ये गांव भी 1825 में खाली हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये तो बहुत ज़्यादा कोलतरा से भी बहुत ज़्यादा वीरान हो गया है, खंडर हो गया है, जर्जर हो गया है। आपको गाइस थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है ना। तो मैं आपको बता दूँ ये देखो गाइस, ये गाँव ये जो कोलतरा में मैं आपको बता दूँ, कोलतरा में जो पत्थर यूज हुए हैं वो येलो सैंडस्टोन पत्थर है और ये भी शायद वही है, लेकिन ये जो रेड रेड टाइप के लग रहे मेरे को हैं। पूरी दीवारें पूरी गिरी है, गोलद्रा में इतनी दीवारें नहीं गिरी थी, यहाँ पर है जो पूरी गिर गई है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी शायद एक दो एक मंदिर है यहाँ पर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक करो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ हाल फिलहाल जैसलमेर में 47-48 डिग्री गर्मी चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गायें जो वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है उसके नीचे बैठी हुई छाएँ के अंदर बैठी हुई, और ये रोड जा रही है। ये चेक करो गाय आप यहाँ पर,
और वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ, वहाँ पर एक मंदिर है। ये जो पूरा रेत के अंदर दबा हुआ है गाँव वाइस, चेक करो, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और ये भी मतलब कुलदरा के टाइप हो गए। तो अभी अपन चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर यहाँ ज़्यादा हवाएं चल रही है तो यहाँ पर गिरने का भी डर है ना। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा गांव है ना, ये पूरा कुलदरा की तरह खंडर हो चुका है, पूरा वीरान हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी दीवारें हैं जो गिर चुकी हैं, ये मतलब कुलदरा से भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, और ये जर्जर हो गया पूरा, दीवार 1% भी नहीं है। और यहाँ पर एक मंदिर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा गाँव वीरान है। इस गाँव को खाबा गाँव कहते हैं, सो देख सकते हैं कुलदरा और गाँव दोनों साथ में खाली हुए थे। और यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी उतरते हैं गिरना चाहूँ में कहीं। सो गए, जैसे कि अभी आपने देखा, ये भी पालीवाल ब्राह्मणों का ही गांव था, और ये भी कुलदरा की तरह खाली हो गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोग खेती किया करते थे, हंसते खेलते लोग रहते थे। ये गांव भी बहुत ज़्यादा विकसित था पहले, पर अभी ये वीरान हो चुका है। अभी ये कुलदरा के सड़क के साथ खाली हुआ 1825 में। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर ये पूरा गाँव मतलब रेत के अंदर दबा हुआ है, और यहाँ पर मतलब के तूफान आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और गायें वगैरह यहाँ पर मतलब छाया ले रही है, गर्मी है, और यहाँ पर रेत के तूफान चल रहे हैं। सो आप चेक कर सकते हो गाइज, ये चेक करो, बहुत ही ज़्यादा खंडर हो गया, ये गांव जर्जर हो गया है, चेक करो। और अभी मैं हूँ खाबा गांव में, ये चेक करो, खंडर हो गया है, वीरान हो गया है, लग रहा है इसके अच्छा नहीं से। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।